Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a new lesson of Science2 and the name of this lesson is Introduction to Microbiology. तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी मीन्स क्या होता है. माइक्रोबायोलॉजी इसका मीनिंग ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं. वो इतने छोटे होते हैं कि अपने नेकेड आईज से हम उसको नहीं देख सकते, इसलिए उनको माइक्रो कहा जाता है. तो अभी हमें सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक का 77 पेज नंबर है वो ओपन करना है. अभी हम सबसे पहले देखेंगे कैन यू रिकॉल. वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच डिफरेंट माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस. तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है माइक्रोब यूजफुल टू अस. यहाँ पे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं. फर्स्ट में पहले बताऊंगी मिल्क टू कर्ड. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें यूजफुल होता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलस. सेम वे मिल्क टू चीज. मिल्क का चीज में कन्वर्जन होने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज होता है. सेम वे मिल्क को बटर में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलेस ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किया जाता है. ब्रेड को बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है. तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं और वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. अभी सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है विच डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो हमें ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है. अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ये सारे जो बैक्टेरियाज है यानी कि ये जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं यानी कि कर्ड चीज बटर ब्रेड एटसेट्रा. बट ये प्रोडक्ट्स के सिवाय और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं. यहाँ पे हम वन बाय वन अलग अलग प्रोडक्ट्स देखेंगे कौन से होते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके बनाए जाते हैं वो कौन से हैं? चीज बटर क्रीम एटसेट्रा. अभी हम अदर प्रोडक्ट्स देखेंगे जिनको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया गया है और वो यूजफुल प्रोडक्ट्स है. ब्रेड वाइन सॉसेस केचप एटसेट्रा. तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाए जा सकते हैं. अभी हम देखने वाले हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है वो हम देखेंगे. अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें एंजाइम्स की स्टडी की जाती है. और ये जो एंजाइम्स है अभी हम पहले देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होता है. एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है. इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में जो भी सारी रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन फास्ट होने के लिए ये एंजाइम्स काम आते हैं. तो इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ऐसे भी कहा जाता है. अभी हम देखेंगे कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में यही एंजाइम्स की स्टडी की जाती है. और ये एंजाइम्स कौन से होते हैं? ये एंजाइम्स रिलेटेड टू प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स माइक्रोब्स प्रोटीन्स अप्लाइड जेनेटिक्स मोलेकुलर बायोलॉजी इनमें वो यूज किए जाते हैं. तो इस तरह से ये जो स्टडी है जिसमें ये एंजाइम्स की स्टडी की जाती है तो उसको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. दिस स्टडी इज यूज फॉर अ सोसाइटी एंड अ वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक अ फूड एंड अ मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इस तरह से ये एंजाइम्स का यूज करके हम सोसाइटी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यूजफुल होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं. अभी हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. अभी ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में मेनली कमर्शियल यूज ऑफ अ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स का कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है. तो अभी हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है. This science is related to a commercial use of a microbes in which a various economic, social and a environment related purposes and the products are included. तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि सोसाइटी के लिए और कमर्शियल पर्पज के लिए यूजफुल होते हैं. वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेसेस यूजफुल फॉर दिस पर्पजेस आर कैरिड आउट. अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी
अभी ये इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के मेन फीचर्स क्या है वो हम देखेंगे. वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ अ फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, चीज, वाइन, रॉ मटेरियल, फॉर केमिकल एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन एटसेट्रा, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से हम बना सकते हैं. नेक्स्ट वन जो है वो है यूज ऑफ अ माइक्रोब्स फॉर अ गार्बेज मैनेजमेंट एंड अ पोल्यूशन कंट्रोल. तो इसमें क्या किया जाता है, जो सेकेंड पॉइंट है उसमें माइक्रोब्स का यूज करके गार्बेज को मैनेज किया जाता है. गार्बेज को मैनेज किया जाता है यानी कि जो भी सारा गार्बेज होता है उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए. उसका डिकम्पोजिशन क्यों करना है, क्योंकि उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन करना होता है. सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन किया तो उसका डीके इजीली हो जाता है. इसलिए जो भी गार्बेज है उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, और पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है. तो इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजिक में यूजफुल होते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि कैन यू रिकॉल. अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कैन यू रिकॉल में कौन सा क्वेश्चन दिया है, टेक्स्ट बुक में हमें देखना है. वी यूज द फर्मेंटेशन प्रोसेस व्हाइल कन्वर्जन ऑफ अ मिल्क इंटू योगर्ट, विच माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर दिस प्रोसेसेस. तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि वो यहाँ पे एग्जाम्पल में ही हमने देखा था कि मिल्क टू कर्ड, कर्ड यानी कि योगर्ट, तो ये बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है. अभी हमें देखना है प्रोडक्ट्स. फर्स्ट प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हमने बहुत सारे देखे, जैसे कि मिल्क का हम कर्ड, चीज, बटर एटसेट्रा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. मिल्क के ये प्रोडक्ट्स हम इस तरह क्यों बनाते हैं, क्योंकि मिल्क जो होता है खराब हो जाता है, तो उसको ज्यादा देर तक प्रिजर्व करने के लिए हम उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो कन्वर्ट किया हुआ फॉर्म होता है वही होते हैं ये डेयरी प्रोडक्ट्स. तो हम जब इसको प्रिजर्व करने के लिए उनका कन्वर्जन करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या क्या चेंज होता है, उसमें जो वाटर कंटेंट है उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी एसिडिटी चेंज होती है, और ये सारे की वजह से क्या होता है कि उसका टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर ये और भी इम्प्रूव हो जाता है. तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनकी ये क्वालिटी है. तो इनका ये जो टेक्सचर है, फ्लेवर है, टेस्ट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, उनको कुछ बेसिक प्रोसेसेस के थ्रू जाना होता है. अभी ये बेसिक प्रोसेसेस कौन सी है, फर्स्ट है पाश्चराइजेशन, सेकंड है फर्मेंटेशन. अभी ये जो मिल्क है उसका पाश्चराइजेशन किया जाता है. मिल्क का पाश्चराइजेशन किस चीज के लिए किया जाता है, ताकि उसमें जो भी सारे माइक्रोब्स है जो कि अनवांटेड है वो डिस्ट्रॉय होने के लिए उसको पाश्चराइज किया जाता है. नेक्स्ट वन है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में क्या किया जाता है, लैक्टोज शुगर टू लैक्टिक एसिड एंड मिल्क प्रोटीन कोएगुलेशन. तो फर्मेंटेशन में मिल्क में प्रेजेंट होने वाली लैक्टिक शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, एंड मिल्क के अंदर जो भी प्रोटीन्स है उसका कोएगुलेशन किया जाता है. तो इस तरह से ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है. और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि कंपाउंड्स विद अ टेस्ट एंड अ फ्लेवर. और उसके सिवाय और क्या होता है इसमें, बिसाइड कंपाउंड्स विद अ टेस्ट एंड अ फ्लेवर आर ऑल्सो फॉर्म्ड. तो इसके सिवाय हम इसमें टेस्ट एंड फ्लेवर भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डाई एसिटाइल हैज अ फ्लेवर ऑफ अ बटर. तो डाई एसिटाइल को बटर का फ्लेवर है. तो इस तरह से हमने इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट प्रोडक्ट यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी कर लिया है. इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.